इस वक्त की बड़ी खबर, श्रेयस ने बचाई मयंक की टीम की लाज। उत्तराखंड को राउंड कर कर्नाटका को दिलाई सेमीफाइनल का टिकट। आपको बता दें, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का क्वार्टर फाइनल मुकाबला कर्नाटका और उत्तराखंड के बीच बेंगलुरु के चिन्नर स्वामी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें मयंक अग्रवाल की अगुवाई वाली कर्नाटका ने 281 रन और एक पारी के बड़े अंतर से मुकाबले अपने नाम कर लिया है। वही अब इस जीत के साथ कर्नाटका रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। वही बात करें उत्तराखंड की, तो वह इस मुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप रहे। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक उत्तराखंड कर्नाटका के खिलाफ फीकी रही। आपको बता दें, कर्नाटका के कप्तान मयंक अग्रवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी असरदार साबित हुआ। बता दें कि उत्तराखंड की टीम सिर्फ 55.4 ओवर में ही 116 रन के स्कोर पर सिमट गई। वहीं कर्नाटका के तरफ से सबसे सफल गेंदबाज वेंकटेश रहे, और जवाब में पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी कर्नाटका की टीम अपने बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया। बता दे, हर किसी ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन सबसे ज्यादा अपने बल्लेबाजी से प्रभावित अनुभवी ऑलराउंडर श्रेयस गोपाल ने किया। बता दे, उन्होंने 288 गेंदों में नाबाद 161 रन की गजब की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 16 चौके और एक छक्के भी देखने को मिला। ऐसी जबरदस्त बल्लेबाजी के चलते कर्नाटका ने पहली पारी में 606 रन जड़कर 490 रन की बढ़त हासिल कर ली। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी उत्तराखंड की टीम एक बार फिर अपने निराशजनक बल्लेबाजी से सबको निराश किया। वह महज 209 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसके चलते मयंक अग्रवाल की टीम एक पारी और 281 रन के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीत गई। जबकि दूसरी पारी में कर्नाटका के तरफ से सबसे सफल गेंदबाज श्रेयस गोपाल रहे, जो कि 3 विकेट हासिल किए, जबकि विजय कुमार ने भी 3 विकेट हासिल किए, और इसी के साथ कर्नाटका की टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली।